क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसमें टिक्स या एक किस्म का कीड़ा भी इन्वॉल्व है जो कि जानवरों के ऊपर रहता है और खून चूसता है। गर्मी के मौसम में और जब खुशकसाली होती है तो टिक्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ईद उल अज़हा के मौके पे क्योंकि बड़ी तादाद में जानवर एक से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खतरा होता है या खदशा होता है कि इंसानों में मर्ज फैलेगा। बीमारी के अलामत सिर्फ इंसानों में होती हैं, जानवरों में नहीं होती। उमूमन 3 से 7 दिन के दरमियान अलामत जाहिर होती हैं जिसमें के बुखार, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, उल्टी वगैरह शामिल है और जो जो वक्त गुजरता है तो खून बहना शुरू हो सकता है जिसमें मसूड़ों से खून आना या उल्टी में खून आना या पेशाब या पखाने में खून का आना या जल्द में ब्लीडिंग होना शामिल है। उमूमन मरीज काफ़ी ज़्यादा बीमार महसूस करते हैं और बहुत कमज़ोरी और शदीद बुखार होता है। इसकी जो तशखीस है वो एक ख़ास किस्म के टेस्ट से होती है जो पाकिस्तान में सिर्फ 2 जगह ही अवेलेबल है, एक NIH इस्लामाबाद और दूसरा आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की लेबॉरेटरीज़ में। इसका इलाज किया जाता है, एक तो सपोर्टिव केयर है यानी कि खून में जिस भी जुज़ की कमी है उसको रिप्लेस करना और दूसरे एंटीवायरल ट्रीटमेंट है। शरह अमवात जो है 30 से 40% पाकिस्तान में नोट की गई है। कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हिफाजती तदबीर में ये है कि जो जानवर जिससे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए कि उनमें टिक्स तो नहीं है, वो जानवर वायरेमिक तो नहीं है। सबसे सेफ यही होता है कि ऐसे जानवर जो वायरेमिक हैं उनको लोगों से कॉन्टैक्ट में ना आने दिया जाए।